हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मेगा क्विज़ के सॉल्यूशन के बारे में। काफ़ी डिमांड में थी ये वीडियो, तो आज हमने ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। आपके जो भी डाउट हैं आप क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले इक्वेशन में हमें कुछ वैल दी हुई है और हमें कुछ रिलेशन दिए हैं आंसर में, और बोला गया है अगर ज़ेड N2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है वो 10 टाइम्स है देन दैट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, तो क्या कुछ एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा जी का। तो सबसे पहले हम एनोड पे इक्वेशन लिखते हैं। एनोड पर जो ZN है वो ZN2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ZN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम कैथोड की लिखते हैं, इसमें जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, CuSO4 का कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन खा के अब कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल लिखें और इसमें केवल आयंस को मैं इंक्लूड करूं, तो देखिए कॉपर 2 पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा ZN2 पॉजिटिव। यहाँ पर ZN लिख लीजिए, अगर सॉलिड में लिखना चाहो तो यहाँ लिख लीजिए कॉपर का सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ चुकी है। अब मैं इस पर नरनेस्ट इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। तो जो हमारे नरनेस्ट इक्वेशन होती है उसकी एक्सप्रेशन होती है E इज इक्वल टू ई नोट माइनस ऑफ RT अपॉन NF इंटू LnQ। क्यों होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी अदर देन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे हम ई नोट जिसकी वैल्यू हमें 1.1 दी है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1.1 माइनस RT डिवाइडेड बाई 2F इंटू LN। अब देखिए कंसनट्रेशन ऑफ ZN2 पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, कंसनट्रेशन ऑफ ZN2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो यहाँ से देखिए जो ई है, ई सेल है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1.1 माइनस RT अपॉन 2F इंटू LN। जो ZN2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है वो है 10 टाइम्स द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। यही इक्वेशन का यहाँ यूज करेंगे, तो जो ZN2 पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा 10 इंटू कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, LN 10 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 1.1 माइनस ऑफ RT अपॉन 2F इंटू LN 10 की वैल्यू होती है 2.303। यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन को अब -2F से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आता है, देखिए क्यों करेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई, तो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू होती है माइनस NF ई सेल। तो हमारे पास ई सेल की वैल्यू आ चुकी है, इसको -NF से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डायरेक्ट डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, इसलिए -2F से पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो माइनस ऑफ 2F इंटू ई सेल बन जाएगा यहाँ, यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2F इंटू 1.1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ, यहाँ भी माइनस ऑफ 2F इंटू RT डिवाइडेड बाई 2F इंटू 2.303। तो देखिए इस 2F से ये 2F कैंसिल, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस बना देंगे, और ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.2F प्लस ऑफ RT इंटू 2.303। अब देखिए कौन सा आंसर है, आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दी है, तो सबसे पहले सेल लिख लेते हैं, एनोड पर क्या है और कैथोड पर क्या है। तो एनोड है उसमें ए सॉलिड उसके आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ए जो सॉलिड है वो ए एन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और एन इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए हैं, और जो कैथोड है इस पे जो Bn2 पॉजिटिव है इसने ये 2n इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और ये कन्वर्ट हो गया है बी सॉलिड में। अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो मेरे को जो एनोड है इसकी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और अब मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा तो मेरे पास बनेगा 2a सॉलिड प्लस Bn एन पॉजिटिव एक्वस आ जाएगा यहाँ पर, गिव्स 2an पॉजिटिव एक्वस प्लस बी सॉलिड। ये कुछ हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी।
जिसके ऊपर हमें अब काम करना है। अब हमें वैल्यू निकालनी है एंट्रोपी की, और कंडीशन है हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा एच की वो 2 टाइम्स है देन दैट ऑफ डेल्टा जी नोट। तो सबसे पहले तो हम ई सेल का ही यूज करेंगे, और ईएमएफ है वो भी 0 दिया है, तो नरनेस्ट इक्वेशन हमारे पास बनेगी ई सेल इज इक्वल टू ई नोट माइनस ऑफ आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए एन पॉजिटिव स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ बी टू एन पॉजिटिव। ठीक है, जो हमारे पास ई सेल है इसकी वैल्यू 0 है, तो ये बन जाएगा ई नोट इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, एन की वैल्यू आ जाएगी 2n, क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ओवरऑल रिएक्शन में वो 2n है, तो यहाँ आ जाएगा 2nF इंटू एल एन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ए दी है इन्होंने 2 मोलर, तो यह 2 का स्क्वेयर, और कंसनट्रेशन ऑफ बी 2n पॉजिटिव दी है इन्होंने 1 मोलर, तो यहाँ आ जाएगा 1। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा, देखिए 2 है ये बाहर आ जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल, जो यहाँ 2 आएगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई नोट है उसकी वैल्यू आ जाएगी आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू एल एन ऑफ 2। ठीक है, ये अभी तक हमारे पास आ चुका है। अब हमें डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ एन डैस बोल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, एन डैस एफ इंटू ई नोट सेल। ये एन डैस की वैल्यू भी 2n है, क्योंकि ये भी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन यूज, तो यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ 2n इंटू एफ, और ई नोट की वैल्यू हमारे पास है आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ इंटू एल एन 2, तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 RT इंटू एल एन 2। ये डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब हमें एक रिलेशन पता होता है, जो डेल्टा जी नोट है वो होता है डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। अब हम जो गिवन इक्वेशन है उसका यूज करते हैं और देखते हैं क्या आता है आंसर। गिवन इक्वेशन थी जो हमारे पास एंथैल्पी की वैल्यू है वो 2 टाइम्स है गिब्स फ्री एनर्जी की। इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगी डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू 2 डेल्टा जी नोट माइनस ऑफ टी डेल्टा एस नोट। अगर इसको इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नोट, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू टी डेल्टा एस नोट। और जी नोट की हमें वैल्यू पता है माइनस 2 RT इंटू एल एन ऑफ 2 इज इक्वल टू टी इंटू डेल्टा एस नोट। टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं आंसर आ जाएगा डेल्टा एस नोट का 2 R इंटू एल एन 2 इज इक्वल टू डेल्टा एस नोट। R की वैल्यू दी है हमें 8.31, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 8.3, और एल एन 2 की वैल्यू दी है 0.7 इज इक्वल टू डेल्टा एस नोट। आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस ऑफ 11.62 इज इक्वल टू डेल्टा एस नोट। आप इस चीज़ को बिना कैलकुलेटर के थ्रू सोल्व कर पाए, क्योंकि हमने यहाँ कैलकुलेशन नहीं करी बिल्कुल भी। देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन नहीं करी, अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता तो मेरा टाइम वेस्ट होता। जब मैंने पूरे को सोल्व किया तो देखा मैंने कुछ चीज़ें मेरे पास कैंसिल आउट हो गई और मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अगर आप ये वैल्यू पुट करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। देखिए जो ये वाला आंसर है इसमें तो नेगेटिव नहीं आ रहा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जो ये वाला आंसर है इसमें भी नेगेटिव नहीं आ रहा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये और ये आंसर हो सकते थे इसके, लेकिन जो भी हमारे पास टर्म आएगी वो 8.314 से तो ज़्यादा ही आएगी, तो वो 1 पॉइंट भी नहीं आ सकती, तो आंसर डायरेक्ट डी आ सकता है। इस तरह आप कैलकुलेशन से बच सकते हो, ये स्पेशली नेट के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है 9.65 एम्पीयर ऑफ करंट पास करते हैं 1 घंटे के लिए फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन के एसिडिक सॉल्यूशन में से, तो हमें बताना कितना अमाउंट बनेगा हमारे पास पैरा अमीनो फिनोल का। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन आनी चाहिए, तो जो नाइट्रोबेंजीन होगा वो कुछ ऐसा होगा, ये हमने लिया है रिएक्टेंट में और हमारे पास प्रोडक्ट बना है पैरा अमीनो फिनोल, ये कुछ ऐसा होगा।
एसिडिक कंडीशन लिखी है तो यहाँ मैंने एच प्लस डाल दिया है। अगर इसको निकाल लेंगे तो यहाँ वाटर भी आएगा, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, तो इधर दो ऑक्सीजन है, इधर भी एक और एक दो ऑक्सीजन है। अब देखते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी दोनों साइड सेम है। अब हाइड्रोजन देखते हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट की साइड देखते हैं हाइड्रोजन, तो दो चार पाँच और चार नौ, नाइन हाइड्रोजन है इधर, इधर है पाँच, मतलब चार एच प्लस यहाँ होंगे, और इनको बैलेंस करने के लिए हमें चार इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो हमारे पास ये बैलेंस इक्वेशन आ चुकी है। अब इसका यूज़ करके हम निकालेंगे कि कितना हमारे पास पैरा अमीनो फिनोल बनेगा। अब हमें चार फेराडे ऑफ चार्ज से 1 मोल बनेगा ऑफ पैरा अमीनो फिनोल, ठीक है, और 1 फेराडे से बनेगा 1/4F। हमारे पास अब टोटल कितना चार्ज है, 9.65 × 60 × 60, इतना चार्ज है, तो इससे बन जाएगा 1/4F × 9.65 × 60 × 60, ठीक है, इतना टोटल बन जाएगा। अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखते क्या आता है, 9.65 × 60 × 60 / 4 × 9.9650। तो ये डेसिमल से ये दो जीरो कैंसिल, 9.65 से ये कैंसिल, तो ये बन जाएगा 36/400, तो ये आ जाएगा 9/100। तो ओवरऑल लिखें तो 9 × 10⁻²⁻ बन जाएंगे हमारे पास पैरा अमीनो फिनोल। और हमसे पूछा है ग्राम में, तो पैरा अमीनो फिनोल है, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 109। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें 9 × 10⁻²⁺ से, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके वो आएगा 9.81 ग्राम। ए ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है सेचूरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl की एंड वाटर की, और मोलर कंडक्टिविटी दी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और आपसे पूछा गया है सोल्युबिलिटी क्या होगी। तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए, लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 / सोल्युबिलिटी। अब आपको ये वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू AgCl के निकालनी है, तो AgCl के लिए वैल्यू होगी के ऑफ सेचूरेटेड माइनस ऑफ के ऑफ वाटर, तो दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3.41 माइनस ऑफ 1.60 × 10⁻⁶। सोल्व करते हैं, सोल्व करके आएगा 1.81 × 10⁻⁶, ठीक है, के ऑफ AgCl। अब सारी वैल्यू पुट करनी है, बस की वैल्यू हमें दी है 138.3 इज इक्वल टू 1.81 × 10⁻³ × 10⁻³ सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी की वैल्यू आएगी 1. ये एस है, एस 81 × 10⁻³ / 138.3। अब यहाँ से आप सोल्व कर लीजिएगा, तो अब इसको डायरेक्ट सोल्व करना है, तो देखिए 181 × 10⁻⁵ हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय आएगा 138.3। इसको सोल्व करते तो 1. समथिंग आएगा, पहली बात तो × 10⁻⁵, तो -5 वाले तो आएंगे, ये आ सकता है और ये आ सकता है, सोल्व करते हैं तो आता है 1.308। तो इसको अगर सोल्व करते तो ये आता है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, तो इसमें आपको खैरस लो का यूज करना है और आपको BH वोल्टो इसके लिए निकालना है, तो देखिए NaOH का आपको दिया है, जो आ जाएगा अगर इनफाइनाइट पे देखेंगे तो Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, अगर NaCl का देखते तो आ जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ऐसे BaCl2 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तीन आ जाएंगे। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ, और जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें BaOH वोल्ट वाइज है, इसको तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा Ba2 पॉजिटिव प्लस 2H नेगेटिव, ठीक है।
ऐसा हमें बनाना है इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करके। तो देखिए Ba2 पॉजिटिव मुझे इधर चाहिए और यहाँ पर चाहिए 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए Na पॉजिटिव भी 2 हो जाएगा तो मुझे सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन है सेकेंड इक्वेशन इक्वेशन, ठीक है। तो Na पॉजिटिव उधर आ जाएगा। अब मुझे Ba पॉजिटिव राइट में चाहिए तो मैं थर्ड इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दूंगा। तो इनकी वैल्यू को लिख देता हूँ अब, तो 2 × 2 4 8.1 × 10⁻⁴ लिख लीजिए, माइनस ऑफ 2 × 1 26.5 × 10⁻⁴ प्लस ऑफ 280 × 10⁻⁴। अगर इसका आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एच ए एसिड। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल्फा डिवाइडेड बाई एम। एल्फा होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो हमें लैम्डा एम और लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू दे रखी है। लैम्डा एम की वैल्यू है 0.005 और जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू है 0.05 इज इक्वल टू एल्फा। एल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.1। एल्फा की वैल्यू आ गई, हमें के निकालना है और कंसंट्रेशन दे रखी है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया। अब ये एच ए है वो ऐसे जाके एच पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, टाइम इज इक्वल टू 0 पे होगा 0.009। यहाँ कोई कंसंट्रेशन नहीं है। टाइम इज इक्वल टू टू इक्विलिब्रियम पे होगा 0.009 × 1 − α। एल्फा की वैल्यू 0.1, यहाँ आ जाएगा 0.009 × 0.1। इसकी कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव की ऐसे ही ए नेगेटिव की वैल्यू भी 0.009 × 0.1। अगर के ए की वैल्यू निकाले तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंटू ए नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए की कंसंट्रेशन होगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ आ जाएगा 9 × 10⁻⁴। इसको सोल्व करते हैं तो −4 और इंटू में भी सेम 9 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻³ × 0.9, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो देखिए इसको इससे और इस पूरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा 9 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 × 10⁻⁴ बन जाएगा। सो ए वाज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको क्रैथ लॉ का यूज करना है और देखते हैं क्या आंसर आता है। मैं जो आपके पास किसी एच ए एसिड को तोड़ा है उसका के ए दिया, उसका रिलेशन बताना है लैम्डा एम इन्फिनिटी और लैम्डा एम के बीच में। तो सबसे पहले हम एल्फा निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ एच पॉजिटिव आ जाएगा और ए नेगेटिव। अगर इसकी कंसंट्रेशन मैं सी कंसिडर कर लूँ टाइम 0 पे, तो यहाँ 0 0 कंसंट्रेशन, यहाँ जाएगा C × 1 − α, सी एल्फा और सी एल्फा। के ए की वैल्यू होगी सी एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई C × 1 − α। ये पहली इक्वेशन आ चुकी है, सी से सी कैंसिल कर देते आ जाएगा C × α स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 − α। ये आ गई है के ए की वैल्यू। अगर मैं इसमें एल्फा की वैल्यू कहीं से पुट कर दूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाइनल, और हमें पता है लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी है, इसकी वैल्यू होती है α/1। तो यहाँ से एल्फा की वैल्यू यूज़ करके, फर्स्ट इक्वेशन से एल्फा की वैल्यू यूज़ करके सेकंड इक्वेशन में बस पुट करना है, तो के ए की वैल्यू हो जाएगी C × λm डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 − λm डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसमें से सोल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा C × λm स्क्वेयर डिवाइडेड बाई, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा λm −
लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस ऑफ लैम्डा एम, और यहाँ पर जो लैम्डा एम आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा एक, और एक ये बन जाएगा यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो यहाँ कुछ आंसर देखिए कौन सा बन रहा है, स्केयर बनना चाहिए मतलब सेकंड और थर्ड में से बनेगा, और ऊपर इन्फिनिटी नहीं आ रहा मोलर आया, तो ऑप्शन बी। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है ये, तो आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट, और इसका बस अल्फा का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन निकालना है। तो जो लैम्डा एम होता है इसकी वैल्यू होती है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी, और जो लैम्डा एम एन होता है इसकी वैल्यू होती है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी, और हमें पता है जो नॉर्मेलिटी है वो मोलरिटी इंटू एन फैक्टर है। हमें अगर एन फैक्टर की वैल्यू पता है तो हम डायरेक्ट नॉर्मेलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर Fe2SO4 होल थ्राइस, इसको मैं तोड़ूं तो ये बनेगा 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ऐसे केस में जो एन फैक्टर की वैल्यू होती है वो आती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो मैं एन फैक्टर की वैल्यू आती है वो आती है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज। तब आप या तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड देख लीजिए या फिर नेगेटिव, दोनों इक्वल टू 6 आएंगे। तो डायरेक्ट देख सकते हो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल टू 6 हैं, तो यहाँ पर एन फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ गई है 6। तो अब ऐसे भी इसका पुट करना है तो लैम्डा एम डिवाइडेड बाई लैम्डा एम एन की बात करें तो यहाँ आ जाएगी मोलरिटी, और सारी चीज़ें कट कैंसिल आउट हो जाएंगी तो यहाँ आ जाएगी नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को लिख दूँगा मैं मोलरिटी इंटू एन फैक्टर जिसकी वैल्यू 6 थी डिवाइडेड बाई मोलरिटी, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इक्विवेलेंट और मोलर में बताना है तो इसको यहाँ इक्विवेलेंट लिख लेना कोई बात नहीं है, यहाँ आ जाएगा लैम्डा एम डिवाइडेड बाई 6 इजिकल टू लैम्डा एन, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट लिख लेना इसको नॉर्मल वाले को कोई बात नहीं है। तो इसके हिसाब से आंसर डी वाज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एन फैक्टर भी पता है तो आप इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि जो 6 था वो एक में ही था, एक में ही था। अगर मल्टीप्लाई वाला दिया होता तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती, सॉल्व करके देखना पड़ता, अदरवाइज आप डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। 1 मिनट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। इसमें आपको 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं और आपको ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं एनोड की बात करूँ इसमें जो H2 है वो ऑक्सीडाइज होगी तो देगी H पॉजिटिव, यहाँ पर मैं पूरा पूरा लिखता हूँ तो यहाँ 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ऐसे अगर कैथोड की बात करता हूँ तो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा H2। यहाँ पर प्रेशर अलग अलग है तो यहाँ लिख देता हूँ एनोड को दिखाने के लिए ए और कैथोड वाली हाइड्रोजन को दिखाने के लिए सी, और जो कंसनट्रेशन है H पॉजिटिव वो इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बच जाएगा H2 एनोड वाली और यहाँ पर H2 कैथोड वाली। अगर मैं ई सेल लिखता हूँ तो वो होता है ई नोट माइनस ऑफ RT डिवाइडेड बाई NF इंटू LN ऑफ Q, ये कंसनट्रेशन सेल है तो इस ई नोट की वैल्यू हो जाएगी 0। वैसे भी हाइड्रोजन सेल है तो वैसे भी 0 हो जानी है, लेकिन कंसनट्रेशन सेल की ई नोट की वैल्यू 0 होती है तो जो ई सेल है इसकी वैल्यू आ जाएगी -RT डिवाइडेड बाई NF इंटू LN Q। अब मैं इस इक्वेशन का यूज़ करके यहाँ लिखने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा -RT डिवाइडेड बाई NF इंटू LN ऑफ प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। अब मैं प्रेशर की वैल्यू पुट करता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो 2 है तो ये बन जाएगा -RT/2F इंटू LN ऑफ प्रेशर कैथोड की है P2 डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ एनोड की है P1। पॉजिटिव नेगेटिव साइन को अगर LN के साथ शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा RT/2F इंटू LN ऑफ P1 डिवाइडेड बाई P2, ये बन जाएगी हमारे पास ई सेल की वैल्यू। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट के 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे, इसमें 25 टोटल क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।